Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the dominant epistasis. Main discuss karne wala hu is video tutorial mein dominant epistasis ke bare mein. Dominant epistasis jaisa ki agar aapne isse pehle ke gene interaction ka introduction and types of gene interactions ke video nahi dekhe hain to please unko dekh lijiyega kyunki wo aapke basics ko clear karenge kyunki unka bahut use hone wala hai in dominant recessive in sab epistasis ke bare mein. Theek hai, तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस एंड ऑन द थिंग्स. ठीक है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में हम देखेंगे. तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या नाम सजेस्ट करता है, डोमिनेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक जीन है, जीन के पास एक आपका क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए और इसका दो पार्ट होता है, एक कैपिटल ए डोमिनेंट फॉर्म और एक एलेलिक फॉर्म. जब कैपिटल ए जो है ये दूसरे जीन के दोनों फॉर्म को, जीन के कैपिटल बी या स्मॉल बी फॉर्म को सप्रेस कर देगा तो इसी को बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस. जब ये डोमिनेंट एलील किसी जीन का, कहने का मतलब है द डोमिनेंट एलील ऑफ एनी जीन, डोमिनेंट एलील ऑफ एनी जीन suppresses the activity of the other gene is known as the dominant epistasis. ठीक है, इसको बोला जाता है dominant epistasis. Dominant epistasis बोला जाता है तब जब किसी भी जीन का dominant allele दूसरे जीन के दोनों फॉर्म, चाहे dominant हो चाहे recessive हो, दोनों को suppress करता है तो dominant epistasis बोला जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि epistasis में pathways होते हैं, pathways होते हैं एपिस्टेसिस में, पाथवेज होते हैं कि हाँ पाथवेज क्या होते हैं. अगर पाथवेज की मैं बात करूं तो पाथवेज समझने की कोशिश करिएगा. व्हाट इज़ पाथवे, पाथवे समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा. पाथवे में याद रखे रहिएगा कि जैसे ए जो होता है वो बी बनता है, बी से सी बन रहा है, कुछ ऐसे होता है. ए से बी बनने के लिए एंजाइम चाहिए E1, मान लीजिए बी से सी बनने में एंजाइम चाहिए E2. जस्ट सपोज, मैं ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का पाथवे नहीं बता रहा हूँ, बस एक पाथवे नॉर्मल बता रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट बताने के लिए. ठीक है, E1 जो होता है, E1 सिंथेसाइज किस फॉर्म ऑफ जीनोटाइप से होगा. तीन तरीके के जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए. याद रखे रहिएगा हमेशा जो डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट एलील उसमें होना चाहिए. मतलब या तो ये जो होगा वही सिंथेसाइज करेगा. E1 जो होगा, मान लीजिए अगर ए जीन से सिंथेसाइज हो रहा है, ए जीन जो है E1 सिंथेसाइज कर रहा है, तो उसका ये ही फॉर्म सिंथेसाइज करेगा, रिसेसिव फॉर्म कभी भी E1 को सिंथेसाइज नहीं करेगा. अगर सिमिलरली अगर बी जो है वो E2 को सिंथेसाइज कर रहा था, मान लीजिए बी जो है E2 को सिंथेसाइज कर रहा था, तो या कैपिटल बी सिंथेसाइज कर सकता है या कैपिटल बी स्मॉल बी सिंथेसाइज कर सकता है. स्मॉल बी कभी भी E2 को सिंथेसाइज नहीं करेगा. समझ में आया, मतलब अगर एंजाइम सिंथेसिस होता है, अगर एंजाइम की सिंथेसिस होता है तो वन डोमिनेंट एलील जो है मस्ट होना चाहिए, एक डोमिनेंट एलील उस जीनोटाइप में, वन डोमिनेंट एलील मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी देयर. अगर डोमिनेंट एलील एक नहीं प्रेजेंट है तो आपका एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा. समझ में आया, तो चलिए चलते हैं पाथवे के ऊपर, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के पाथवे के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द पाथवे. ठीक है, देखिएगा पाथवे, पाथवे देखने की कोशिश करिएगा. इस पाथवे में क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक और आपको ट्रिक बताता हूँ कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो होता है हमेशा डोमिनेंट हो चाहे डुप्लीकेट डोमिनेंट हो, पाथवे इज ऑलवेज, पाथवे जो होता है ऑलवेज यूनिस्टेप होगा, नो इंटरमीडिएट. यूनिस्टेप का मतलब नो इंटरमीडिएट स्टेप. अभी मैं आपको जब रिसेसिव बताऊंगा तो वहाँ पे इसका क्लियर हो जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको. इन वीडियोस को देखते रहिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या फॉर्म है कि वाइट जो है, दिस वाइट, ये वाइट एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है. यूनिस्टेप का मतलब एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है, या तो पर्पल वाई में या तो जेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द रेड. आइदर इट इज दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एक्स इज कन्वर्टेड इनटू द वाई इन पर्पल कलर जो कि है, या तो जेड में है जो कि रेड कलर है. एक अब
वाई जो होता है, वाई पे कन्वर्जन जो एक्स का होता है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम से कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं E1, और E1 सिंथेसाइज होता है ए जीन से, यानी कि इसी फॉर्म से सिंथेसाइज होगा, कैपिटल ए कैपिटल एन, कैपिटल ए स्मॉल ए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि एंजाइम जो सिंथेसाइज होगा वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म से सिंथेसाइज होगा। एंड इसी तरीके से देखिएगा E2 जो कि एक्स जो है जब जेड में कन्वर्ट होता है तो वो सिंथेसाइज होता है E2 से, एंड E2 इज सिंथेसाइज बाय द बी जीन, दैट इज कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखने वाली चीज़ है, देखिएगा कि जो E1 की अफिनिटी होती है, E1 की अफिनिटी होती है वो क्या होगा, E2 की अफिनिटी से ज़्यादा होता है एक्स से बाइंड करने का। द अफिनिटी ऑफ E1 टू बाइंड विद द एक्स इज हायर देन द अफिनिटी ऑफ द E2। दैट मीन्स कि समझने की कोशिश करिए, अगर E1 और E2 की अफिनिटी, E1 की अफिनिटी ज़्यादा है E2 से, जैसे कि क्या होता है कि अगर आपको किसी पार्टी में जाना हो एंड एक नॉर्मल फ्रेंड हो आपका और एक आपका बेस्ट फ्रेंड हो, तो ऑब्वियसली बात है अफिनिटी किसके साथ ज़्यादा होगी, E1 के साथ ज़्यादा होगी, उसके साथ पार्टी में ज़्यादा जाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर E1 और E2 दोनों प्रेजेंट भी हैं लेकिन E1 की अफिनिटी ज़्यादा है, जब E1 की अफिनिटी ज़्यादा है तो अगर E1 प्रेजेंट हुआ तो Y ही बनेगा। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यानी E1 प्रेजेंट तब होगा जब कैपिटल A फॉर्म हो, अगर कैपिटल A फॉर्म है तो क्या B, चाहे कैपिटल BB हो, चाहे कैपिटल B स्मॉल B हो, चाहे स्मॉल B स्मॉल B हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी एपिस्टेसिस कर दिया इस कैपिटल A ने, जब कैपिटल A एंजाइम 1 बना दिया तो E2 बने चाहे ना बने उसकी एक्टिविटी कोई मायने नहीं रखती, E1 बाइंड करेगा क्योंकि इसकी अफिनिटी ज़्यादा है, अफिनिटी ज़्यादा है तो इसे बाइंड करके Y में कन्वर्ट करेगा व्हेन द E1 विल प्रेजेंट। जब भी E1 प्रेजेंट होगा तो अफिनिटी से इस हाई शो करेगा और बाइंड करेगा। तो दिस पाथवे इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस पाथवे, यूनिस्टेप पाथवे है, वाई सेप्ड पाथवे होता है। कैसा होता है, दैट इज वाई सेप्ड पाथवे, ये वाई सेप्ड पाथवे होता है। डोमिनेंट में एक एक्स से वाई में बनेगा, एक्स से जेड में बनेगा, इसको अगर आप देखेंगे तो वाई सेप्ड पाथवे आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि रेशियो की बात करें, रेशियो में आपको ट्रिक बता चुका हूँ क्या होना चाहिए, रेशियो दैट इज 19 क्या होना चाहिए, 9 ये 12:3:1, कैसे होगा 12:3:1 देखिएगा। यहाँ पे कैपिटल ए को वर्टिकली 3 बार लिखेंगे, देखिए कैपिटल ए को 3 बार वर्टिकली लिखा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए को 3 बार वर्टिकली लिखा, फिर स्मॉल ए वर्टिकली लिखा। इसी तरीके से क्या करेंगे कि कैपिटल बी लिखेंगे, कैपिटल बी को हॉरिजॉन्टल लेके चलेंगे, फिर हेटरोजाइगट हॉरिजॉन्टल, फिर स्मॉल बी हॉरिजॉन्टल। अब देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है, कैपिटल ए प्रेजेंट है, इसके पास कैपिटल ए एलील है, इसके पास कैपिटल ए एलील है, इसके पास कैपिटल ए है, तो ये सारे एक कलर शो करेंगे कि नहीं करेंगे, दिस विल शो द सेम कलर। तो ये जो दोनों बॉक्स था, जो हमने 4-box rule अभी देखा था, अगर आपने नहीं देखा है पहला का वीडियो जो जीन इंट्रैक्शंस के बारे में मैंने बताया था, ये 4-box rule जो है वो कन्वर्ट हो गया 3-box rule में, दैट इज़ द रेशियो विल बी 12:3:1। कैसे, ये 9 जो पार्ट है, ये 9 box था और ये 3 वाला, इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि इन सब में कैपिटल ए एलील एक बार आ रहा है, जब ये आएगा तो ये एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा आपके, ठीक है। एक्टिविटी को जब सप्रेस कर देगा तो ये रेशियो हो जाएगा 12:3:1, सप्रेस कर दिया इसने, जब सप्रेस किया तो दिस इज द केस ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दैट इज द 12:3:1, ठीक है। तो ये सारा केस आपको बना, सारी चीज़ें कि कैसे फॉर्म होगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में, मैंने आपको बताया कि रेशियो जो होगा यहाँ पे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म करेंगे, एक डोमिनेंट एलील सप्रेस करेगा, दिस इज द पाथवे कि एक्स जो है वाई में कन्वर्ट हो रहा था, जेड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन E1 की अफिनिटी जो है वो ज़्यादा थी, इसीलिए अगर E1 प्रेजेंट होगा तो E1 से ही सब्सट्रेट बाइंड करके वाई में पर्पल कलर में कन्वर्ट होगा, और दिस इज द रेशियो 12:3:1, ओके। गाइस मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, आप लोग अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं जस्ट बाय सर्चिंग माय नेम वीरेंद्र सिंह, सर्च करिए मेरे नाम को वीरेंद्र सिंह एंड यू विल फाइंड द प्रोफाइल, गो थ्रू माय प्रोफाइल। और आपको बता दूँ अनअकैडमी प्लस पे भी लाइव पढ़ाता हूँ मैं, जाके स्पेशल क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं,
जो डेमोज होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें, और अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है 7 डेज डेमो, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस पे आइए, सब्सक्राइब करिए, एंड जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रिफरल कोड, दैट इज़ द VIREN। इस रिफरल कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू फॉर द डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस इन द नेक्स्ट सेशन।